अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा दोस्तों फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई भी मन में आपका सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझसे डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करके लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, साउथ अफ्रीका में जो नया कोरोना वायरस आया है उसको वजह से लेकर दोस्तों वहां पे ट्रैवल पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया गया है, जिसके बारे में पूरी सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं। तो यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं पिछले वीडियो जाकर आप सर्च कीजिए, नीचे जाइएगा दोस्तों, वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा, तो वहां पे पूरी जानकारी आप ले सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों खबर के बारे में बात करें जो खबर आ रही है। साथियों, यदि आप कतर में कहीं भी यदि आप काम करते हो किसी भी कैटेगरी में, कंस्ट्रक्शन साइट हो, लेबर साइट हो, या फिर होटल्स में हो, या कहीं पे भी आप काम करते हो, यदि अब से आप बेवजह के अब्सेंट मारते हो, यानी यदि काम करने आप नहीं आते हो, तो आपको कंपनी द्वारा आपको वहां पे कोर्ट ले जाया जा सकता है, यानी कोर्ट घसीटा जा सकता है कि आखिर आपको आपके पीछे इतना खर्च करके बुलाया गया तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहले ये सब चीजें नहीं थी, पर दोस्तों अब कंपनी को ये हक दिया गया कि बेवजह आप काम पे एब्सेंट नहीं कर सकते, यानी छुट्टी नहीं मना सकते हैं। तो ये चीज पहले नहीं थी, अब नए कानून को दोस्तों ये लाया गया है। अगली खबर साथियों जो आ रही दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहला जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जब बनाया गया था, तो सबसे पहले दोस्तों वहां पे एक शख्स को लगभग 1994 में एक शख्स को वहां पे हाई स्पीड गाड़ी चलाने के जुर्म में उसको वहां पे फाइन काटा गया था। तो दोस्तों ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से करीब करीब 20-25 सालों के बाद उसे इस बार अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि वो पहला शख्स था, इसीलिए ऐसा किया गया कि वो पहला ट्रैफिक रूल को उल्लंघन करने वाला 1994 में कतर का था। जब ट्रैफिक रूल जब बनाया गया था कतर में, उस दौरान पहला शख्स को जब उसे बुला के इस बार अवार्ड दिया गया है। तो ये काम आपको अपन नहीं करना है। अगली खबर साथियों जो आ रही दोस्तों, अरब कप को लेकर आ रही दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अरब कप लगभग स्टार्ट हो ही चुका है, पर पहली मैच अभी नहीं की गई है, क्योंकि पहला जो मैच है दोस्तों वो होने वाला है दुबई के बीच में और सीरिया के बीच में, जो कि 30 नवंबर को होगा, जो कि लुसाइल स्टेडियम में होगा। तो उसके देखते हुए दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि यदि वहां पे आप आना चाहते हो तो एतराज एप्लीकेशन पे आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसमें दोस्तों सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, आपका दोस्तों PCR सर्टिफिकेट, वैक्सीन सर्टिफिकेट, और यदि आप अंडर हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं तो एंटीबॉडी जेन का टेस्ट रिपोर्ट आपका चाहिए होगा, तभी आप कतर में आ सकते हो। और ये रजिस्ट्रेशन आपको 72 घंटे, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 72 घंटा पहले करना है, या फिर कम से कम 6 घंटे पहले आपको एतराज एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है एतराज एप्लीकेशन में दिया हुआ है। तो यदि आप आना चाहते हो, किसी भी देश से ताल्लुकात रखते हो, तो कतर आ सकते हो, पर जो हाई रिस्क कंट्री है उनके लिए थोड़ी अलग से कंडीशन रखा गया है। अगली जो खबर दोस्तों जो आ रही है, बताना चाहूंगा साथियों, साउथ अफ्रीका के लगभग 5 देशों को कतर हुकूमत की तरफ से बैन कर दिया गया। इसके बारे में करीब 2 वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। इसके रीजन दोस्तों ये है कि नया टाइप का जो कोरोना वायरस आया, इसी के वजह से उन सभी कंट्रियों को बैन किया गया दोस्तों, अंटिल फर्दर नोटिस, यानी जब तक कतर एयरवेज की तरफ से और कतर हुकूमत की तरफ से कोई रिपोर्ट, मतलब कोई नोटिस नहीं आ जाता, तब तक सभी फ्लाइटों को बंद रहेगा। यहाँ जितनी भी आने वाली फ्लाइटें थी अफ्रीका में जो अरब कप के दौरान, सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया, सभी टिकट को रद्द कर दिया गया और सभी को पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा जितनी भी रिफंड होते हैं। तो अरब कप में जो अफ्रीका कंटिनेंट जितने लोग आने वाले थे, सभी को फ्लाइटों को और टिकटों को रद्द भी कर दिया गया है। अगली जो अपडेट साथियों जो आ रही दोस्तों, वो सहानिया एरिया से आ रही दोस्तों। सहानिया एरिया जो आपको पता ही होगा, कतर में जो है सहानिया एरिया में वहां पे कुत्ते काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उन कुत्तों की वजह से वहां के लोकल लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जिसके बाद वहां पे बल्दिया के टीम को उन लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया। कंप्लेन में दोस्तों यही कहा गया कि जो भी हम लोगों के लिए मुनासिब है वो किया जाए, क्योंकि आवारा कुत्ते बहुत ही ज्यादा वहां पे बढ़ गए हैं सहानिया एरिया में। अब बल्दिया की टीम जो करती है बेहतर ही करेगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।